we'll be talking about the plight of the people in the national capital as Delhi continues to grapple with severe water crisis. The political war of words has also peaked over this particular matter. BJP is now all set to up its ante against the ruling Aam Aadmi Party's government and hold protests at over 14 different locations today. BJP has in fact alleged that Aam Aadmi Party does not want to give water to the people of Delhi, but is instead protecting the tanker mafias. Aam Aadmi Party, on the other hand, while retaliating, continues to blame Haryana's government over the matter. Chief Whip over Delhi Assembly, Dilip Pandey, has now written to Union Minister for Jal Shakti, C.R. Patil, seeking intervention and coordination with North Indian states in this particular issue. He has in fact also requested a meeting on behalf of all the Delhi MLAs. Delhi ne Haryana ko ek humanitarian appeal phir se kari hai aur us humanitarian appeal ke tahat humne Haryana se ye aagrah kiya hai ki wo kuch additional pani agar Delhi ko chhod sakte hain. अपर यमुना बोर्ड ने यह भी सजेस्ट किया है कि दिल्ली और हरियाणा कुछ बायलैटरल बैठक करें और अगर कुछ पानी हरियाणा दे सकता है तो वो ज़रूर रिलीज़ करें. दिल्ली सरकार के अफसरों ने भी हरियाणा सरकार के अफसरों से बात करी है. 11 साल से अगर दिल्ली के लोग 10 साल से दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, इनकी मंत्री आतिशी जो केवल झूठ बोलने का काम करती है, केवल झूठ के जल बोर्ड जो है नकारा साबित हुआ है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, 2013 तक दिल्ली का जल बोर्ड प्रॉफिट में होता था, आज 82,000 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है. सारा का सारा पैसा टैंकर माफियाओं के माध्यम से बड़े बड़े इन सरमाएदारों के पास चला गया है. हरियाणा को बदनाम करना छोड़े आतिशी. तो निश्चित है कि गर्मी में पानी की कमी होगी होगी, तो क्या जो सरकारें हैं उनको ये ध्यान नहीं देना चाहिए था कि पहले इसकी व्यवस्था की जाए. एक एग्रीमेंट है जिसमें सभी को अपने अपने हिस्से का पानी मिलना तय होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों सरकारें हैं सिर्फ नूरा कुश्ती खेल रही हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो सिचुएशन है दिल्ली में, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हाल ही में अपॉइंट किए गए केंद्र की सरकार के जो माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय हैं सीआर पाटिल साहब, हम सब दिल्ली के विधायकों की तरफ से आज उन्हें एक पत्र लिखकर यह निवेदन कर रहे हैं, यह आग्रह कर रहे हैं कि यह इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी अगर आपका मंत्रालय उठा ले, केंद्र की सरकार उठा ले, तो इस भीषण गर्मी में दिल्ली के ऊपर मंडराते जल संकट के बादल छट सकते हैं. ठीक है, प्राथमिक रूप से दायित्व दिल्ली की सरकार का है और दिल्ली में जितना मैं पानी का पहले 5 साल तक मंत्री होने के नाते और मेरी पृष्ठभूमि भी पानी से जुड़ी होने के नाते, जितना मैं समझता हूँ दिल्ली के पानी का संकट केवल और केवल कुप्रबंधन के कारण से है. इट्स एन एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इस कमी का मुख्य कारण पानी की चोरी होना, प्राइवेट वाटर टैंकर द्वारा चोरी किया जाना और जगह जगह पर दिल्ली जल बोर्ड की लाइनों का टूटा होना, उनसे चोरी होना, यानी दिल्ली गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है. हरियाणा की मुनक नहर से जितना पानी आना चाहिए वो पूरा पानी आ रहा है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है. अभी आपने वीडियो भी देखा होगा. और अब जब दिल्ली की मंत्री आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री सी आर पाटिल जी से मिलने जा रही हैं, तो ये उन्हें समझना चाहिए कि दिल्ली कोर्ट ने उन्हें कहा है कि पानी की मैनेजमेंट के लिए आपको अगर चर्चा करनी है तो यमुना रिवर बोर्ड से करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई मतलब नहीं है. कांग्रेस 15 साल रही है इस दिल्ली में सरकार में और लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के. इन्होंने दिल्ली को न तो साफ पानी दिया, न तो पानी दिया कई इलाकों में, जल जमाव से मुक्ति नहीं दी, अब तो बुजुर्गों का पेंशन भी बंद है, दिल्ली के गरीबों का राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है, 10 साल में एक नया राशन कार्ड नहीं बना है. आम आदमी पार्टी को बहाने बनाने आता है,
इनको जनता का काम करना ही नहीं आता है। पिछली 25 तारीख से दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, आज 20 दिन होने को जा रहे हैं और ये केवल जनता को जो है पानी के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लोगों से घरों में नहीं बैठा जा रहा और जल जो जीवन है, सोचिए कि इस भीषण गर्मी में भी बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही हैं गरीब लोगों को आ रही, गरीब बस्तियों में आ रही है कि इन लोगों के पास तो मोटर भी नहीं होता जो ये पानी निकाल सके। और सरकारें आपस में नूरा कुश्ती कर रही हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रही हैं। हर पूरी दिल्ली के एक कोने में जाकर के मटका फोड़ का आंदोलन किया जाएगा, इस गूंगी बहरी सरकार को उठाया जाएगा, जगाया जाएगा कि गरीबों की समस्याओं का समाधान करें। पानी दें, सबसे बड़ी समस्या पानी है। आप ये पानी नहीं दे सकते तो और क्या काम करें।